पता ये लगता है कि हमने पढ़ा था कि स्पीशिएशन किस तरह होती है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो ये सब पढ़ लेने के बाद फिर हमने ये कहा था कि स्पीशिएशन में क्या पैटर्न होता है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हमने कहा था हाइब्रिड जोन। और हाइब्रिड जोन किस में मैटर करता है, सिम्पेट्रिक या पैरापेट्रिक में मैटर करता है, एलोपेट्रिक या पेरीपेट्रिक में मैटर नहीं करता। ये हमने थोड़ी सी बात पढ़ी थी, एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ मैं पिछले जो है वो हफ्ते का। फिर हमने ये कहा था कि हाइब्रिड जोन बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड स्पीशीज़ बन सकती हैं। अगर दो पॉपुलेशंस जो हैं वो एक हाइब्रिड जोन के दो किनारों पर रह रही हैं तो उनके दरमियान में हाइब्रिड स्पीशीज़ बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एक तो हमने ये कहा था। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हाइब्रिड स्पीशीज़ अगर बन जाती हैं तो दो तरह से काम हो सकता है, एक तो ये है कि हाइब्रिड जोन ख़त्म हो जाए, रीइन्फोर्समेंट हो जाए, दोनों पॉपुलेशन के दरमियान में रिप्रोडक्टिव बैरियर बन जाए, रीइन्फोर्समेंट हो गया। फिर हमने ये कहा था कि फ्यूजन हो जाए, फ्यूजन क्या है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव वीकनेस आ जाए, रिप्रोडक्टिव बैरियर्स वीक हो जाए। रिप्रोडक्टिव बैरियर्स वीक होने का मतलब ये है कि वो जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और वो दोनों स्पीशीज आपस में इतनी घुल मिल जाएँ और इतना जीन फ्लो हो जाए कि अल्टीमेटली वो एक ही स्पीशीज काउंट होना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। फिर या फिर ये हो सकता है कि वो हाइब्रिड जोन में इतनी ज़्यादा घुल मिल जाए कि जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हो उस इलाके की वो हाइब्रिड स्पीशीज़ बन जाए। तीसरी चीज़ जो हमने कहा था वो ये था कि समटाइम हाइब्रिड जोन स्टेबल हो जाता है, यानी दोनों तरफ की जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक बहुत ही नैरो रीजन में वो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं होता। लेकिन क्योंकि हाइब्रिड जोन बहुत छोटा होता है लिहाजा दो पॉपुलेशन अगर दूर दूर रह रही हैं उनके अगर इंडिविजुअल्स थोड़ा क्लोज आ जाते हैं तो वो दरमियान में एक नई स्पीशीज़ जो है वो बना सकते हैं जो अपनी पेरेंट स्पीशीज़ से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो सकती है। तो बेसिकली जो बात है कहने की वो ये है कि तीनों में से कोई एक काम हो सकता है, या हाइब्रिड जोन स्टेबल हो जाता है, या हाइब्रिड जोन फ्यूज़ हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव बैरियर्स दोनों पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं और हाइब्रिड कोई भी नहीं बनता बल्कि दोनों पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं। ये तीनों सिचुएशंस हमने आखिरी लेक्चर में डिस्कस की थी। अब जो इस वक्त हमारा आज का है ना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है और थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज का भी शिकार है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जिसके बारे में ये बताया गया है कि स्पीशिएशन कितना टाइम लेती है। ये जो है वो आप देखते हैं, अगर इसमें बहुत सी चीज़ें जो मैं मार्क रिडले से डिस्कस करना चाह रहा था बेसिकली जो रह गया मैं यहाँ से नहीं देख सका, मैं यहाँ नीचे आया और मैंने लैपटॉप ओपन किया तो मैंने कहा मैं एक नज़र मार लेता हूँ मार्क रिडले पे, और दूसरा वो बुक जिसको आम तौर पे मैं कभी हाथ नहीं लगाता, पी एस वर्मा, ये जो बुक है, ये जो दो बुक्स हैं इनमें जो स्पीशीज़ जो स्पीशिएशन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मार्क रिडले में तो काफ़ी डिटेल में है, जैसे मैं अगर यहाँ पर जो है वो आपको बताऊँ इस जगह पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। असल में स्पीशीज़ के बनने के दो मॉडल्स होते हैं। स्पीशीज़ के बनने का एक मॉडल ये होता है कि जो स्पीशीज़ है वो एकदम आई, एग्जिस्ट हुई और एक्सटिंक्ट हो गई। दूसरा ये होता है कि एक स्पीशीज आती है उसमें बहुत लंबे अरसे तक छोटी 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 चेंजेस होती रहती हैं और उससे मजीद स्पीशीज जो हैं वो निकलती रहती हैं और वो उसकी फॉसिल एविडेंस भी मौजूद होती है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जब एक दफ़ा एक स्पीशीज आती है वर्ल्ड के मैप के ऊपर और एकदम जाहिर हो के कुछ अरसा जिंदा रह के कुछ मिलियन साल वो स्पीशीज़ सरवाइव करती है और उसके बाद यकदम क्या हो जाती है, यकदम वो स्पीशीज़ जो है वो फॉसिलाइज्ड हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्पीशीज़ जंपिंग। इसको हम नाम देते हैं कि यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो जंपिंग कर रही है। जंपिंग का मतलब ये है कि आपका जो एक स्पीशीज़ है वो अपीयर होती है, वो अपीयर होकर उसके बाद वो कुछ अर्सा चलती है, फिर एकदम ख़त्म हो जाती है, फिर एक और स्पीशीज़ उस ग्रुप की अपीयर होती है,
फिर वो चलती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर एक और उसी ग्रुप की चलती है। अब ये जो चीज़ है इसको कहते हैं पंक्चुएशन, इसको कहा जाता है पंक्चुएशन या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, कि एक स्पीशीज़ अपियर हुई ज़मीन के सीने पर, एक एक स्पीशीज़ जो है वो अपियर होती है, और अपियर हो जाने के बाद सडनली वो स्पीशीज़ जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर डजन्स ऑफ स्पीशीज ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स दैट टेक देयर डेब्यू इन फॉसिल रिकॉर्ड विद नॉवल मॉर्फोलॉजीज बट देन चेंज वेरी लिटिल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एकदम अपियर हुई और एकदम अपियर हो गई, एकदम गायब हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये कहलाता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है वो सम टाइम लोगों को जो है वो गाइड कर सकता है, किस तरफ वो लोगों को गाइड कर सकता है, स्पेशल क्रिएशन की तरफ, ठीक है। वो लोगों को गाइड करता है स्पेशल क्रिएशन की तरफ। एक स्पीशीज़ बनी, एक स्पीशीज़ बन के यकदम अपियर होती है, कुछ चेंजेस आते हैं और उसके बाद वो स्पीशीज़ डिसअपियर हो जाती है। दूसरी टाइप जो है वो क्या है, वो है ग्रेजुअल चेंज। एक स्पीशीज़ बनती है, एक स्पीशीज़ बन जाने के बाद वो स्पीशीज़ चेंज होती है, और जब वो चेंज होती है तो उस टाइम पर उसकी जो चेंज शेप है वो भी एग्जिस्ट करती है, और जो उसकी एंसेस्ट्रल शेप है वो भी एग्जिस्ट करती है। फिर किसी वजह से उन दोनों में से कोई एक डिसअपियर हो जाता है और दूसरा जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में दूसरी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर जाती है, और उसमें मजीद चेंजेस आते 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 कई चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाइट बोर्ड भी नहीं खोला। इसकी मिसाल हम सिंपली इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो ये एक अदद जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, ये देखिए एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, इस एंसेस्ट्रल स्पीशीज के अंदर डाइकोटमी आती है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एंसेस्ट्रल पैटर्न बरकरार रखते हैं, और ये जो है ये ज्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं, ये ज्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं। फिर इनमें ग्रेजुअल चेंज आना शुरू होता है और हमें ये पता लगता है इवन ये वो हैं जिनका प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, यानी ग्रेजुअल एवोल्यूशन की वजह से इनका फॉसिल रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। पहले ये स्पीशीज़ है, फिर ये स्पीशीज़ है, फिर ये है, फिर ये इसकी ये स्पीशीज़ है इसकी, इसको कहते हैं ग्रेजुअल चेंज, और इसको एवोल्यूशन की ज़बान में क्या कहा जाता है, ग्रेजुअलिज्म। इसको एवोल्यूशन की ज़बान में ग्रेजुअलिज्म कहा जाता है कि यकदम नहीं अपियर हो गई, एकदम से नहीं आ गई, बल्कि ये स्पीशीज अपने एंसेस्टर से ताल्लुक रखती है, और यही ग्रेजुअलिज्म आपको उन लिनेजेस में भी नजर आता है जो हम पढ़ा करते हैं, यानी हॉर्स की लिनेज आप पढ़ते हैं, एलिफेंट की लिनेज आप पढ़ते हैं, ह्यूमन की लिनेज आप पढ़ते हैं, और कुछ और दो चार ऑर्गेनिजम्स की आप पढ़ते हैं, तो वो जो आपको नजर आता है वो यही है एक्चुअली कि ग्रेजुअलिज्म, ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुई और ग्रेजुअल एवोल्यूशन के नतीजे में नई स्पीशीज बनी। अब ये जो आप आमतौर पर एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ ग्रेजुअलिज्म में आ सकता है, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि जी इसकी फॉसिल, इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज कौन सी है, इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज कौन सी है, और इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज में क्या चेंजेस आए थोड़े बहुत। लेकिन एक बात है कि क्या चेंजेस आने वाली बात थोड़ी सी गलत है। मतलब एक चीज जो स्पीशीज बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो कौन सी है बेटा, वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं रिप्रोडक्टिव बैरियर। और ये बात मेरी याद रखिए कि कभी भी फॉसिल रिकॉर्ड से रिप्रोडक्टिव बैरियर का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिप्रोडक्टिव बैरियर जो है उसका पता फॉसिल रिकॉर्ड से लगा लें। तो एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक आपको इससे तो पता लग सकता है कि कौन सी स्पीशीज किसका डिसेंडेंट है, या कौन सी स्पीशीज एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, ये तो आपको पता लग जाएगा ग्रेजुअलिज्म में। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके जरिए आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का पता लगेगा, नहीं, आपको ये नहीं पता लग सकता कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह क्या थी, वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आई, ये आपको नहीं पता लग सकता। बहरहाल जो भी है, दो चीजें जो साइंटिस्ट को नजर आती हैं वो एक ग्रेजुअलिज्म है और एक पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मसला क्या है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है वो असल में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी है,
यानी सम टाइम हमें किसी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर के फॉसिल्स नहीं भी मिले, जब हमें नहीं मिले तो हमने उसको कह दिया कि ये पंक्चुएशन है, कि एक स्पीशीज अपियर हुई, अपियर होकर सडनली एक्सटिंक्ट हो गई और उसके बाद आगे। अब ये जो चीज़ है इसमें आप ये कह सकते हैं कि शायद ये जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी, और बहुत सी स्पीशीज आज तक इस चीज़ का शिकार हैं कि उनके बारे में ये सोचा जाता है कि शायद वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का नतीजा है, यानी उनके एंसेस्टर सडनली अपेयर होते हैं और फिर सडनली डाउनफॉल हो जाता है, फिर वो उनकी कोई और स्पीशीज आती है। ये जो चीज़ें हैं इसमें आप कहते हैं कि ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है, और मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का नतीजा है बेसिकली। ये देखिए, पंक्चुएटेड मॉडल, न्यू स्पीशीज चेंज मोस्ट एज दे ब्रांच फ्रॉम पेरेंट स्पीशीज एंड देन चेंज लिटल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब ये स्पीशीज जो हैं ये अपने एंसेस्टर से निकलती हैं और उसके बाद इनके अंदर लिटल और नो चेंज आता है, लिटल और नो चेंज, और ये लिटल और नो चेंज जो है ये हमें पता लगता है कि ये अपने एंसेस्टर से अलहदा हुई। और इसमें भी एक बात और जहन में रखिए कि इसमें भी एलोपैट्रिक स्पीशिएशन आ सकती है, सिम्पैट्रिक इसमें नहीं आएगी, सिम्पैट्रिक सिर्फ दूसरे में आती है, इसमें एलोपैट्रिक आ सकती है कि सडन यहाँ पर ये सेपरेट हो गए किसी वजह से, एंसेस्ट्रल स्पीशीज और डिसेंडेंट स्पीशीज सडनली सेपरेट हो जाते हैं, तो उस नतीजे में क्या होगा कि जो दोनों हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया और उसके बाद ये, या चेंज आया ही नहीं और ये उस बगैर चेंज के सर्वाइव करते रहे करते रहे करते रहे अनटिल क्या हुआ कि ये एक्सटिंक्ट हो गए, या ये एक्सटिंक्ट हो गए या इन्होंने जो है वो अगर ये अपने साथ एक और स्पीशीज निकाल लेंगे तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये ग्रेजुअलिज्म में चला जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअलिज्म का मतलब ये है कि एक एंसेस्टर का डिसेंडेंट बनता है, उसके आगे डिसेंडेंट बनते हैं, उसके आगे मजीद डिसेंडेंट बनते हैं, उसके मजीद डिसेंडेंट बनते हैं, फिर मजीद डिसेंडेंट बनते हैं, इसको आप कहते हैं ग्रेजुअलिज्म, ये ग्रेजुअलिज्म कहलाता है। लेकिन अगर ये इसी सूरत में रहते हुए, इसी शेप में रहते हुए, इसी मॉर्फोलॉजी में रहते हुए बगैर चेंज हुए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं पंक्चुएशन, यानी कोई चेंज नहीं आया या बहुत ही थोड़ा चेंज आया और उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो दो वाजे, अब ये यहाँ पर आखिरी बात के बाद मेरा ख्याल ये है कि आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्चुअली ये जो ग्रेजुअलिज्म है ये कहता है कि स्पीशीज़ के अंदर मुस्तकिल चेंजेस आ रहे हैं, मुस्तकिल चेंजेस आते रहते हैं, जबकि पंक्चुएशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ ज़रा सी चेंज होती है, उसकी एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ बन जाती है, एक डिसेंडेंट बन जाती है, और वो दोनों फिर थोड़े बहुत चेंज के साथ साथ वो इवॉल्व नहीं होते बल्कि उसी चेंज के साथ साथ सर्वाइव करते रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट उनको कबूल कर लेता है लिहाजा वो सर्वाइव करते रहते हैं, और जब वो सर्वाइव करते रहते हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो वो सदियों तक उसी तरह सर्वाइव करते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट उनको वहाँ से एक्सटिंक्ट कर देता है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास जो है वो ये एक इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका जो है वो एक छोटा सा मैप बनाकर दिखाता हूँ, उस मैप के जरिए हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दोनों चीज़ों। बेटा जब आप लोगों के सबके आप लोगों ने ना अपने अपने हॉटमेल अकाउंट बना के ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, फॉर्म तो फिर हम जो है वो उसको अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे टीम पे शिफ्ट होने। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जी एक चीज है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अब ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या है इसको जरा दोबारा समझते हैं, अगरचे मेरा ख्याल ये है कि आपको समझ आ गया होगा। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या चीज है कि आप जो है वो एक अदद स्पीशीज़ ए है, इस स्पीशीज़ ए में जो है वो एक माइनर सा चेंज आता है, कोई माइनर सा,
या माइनर चेंज आता है, या आप यूँ कह लीजिए कि इनमें एलोपैट्रिक स्पीशिएशन हो जाती है, क्योंकि जो है ना कि सडन चेंज आना उसमें एलोपैट्रिक ही हो सकता है। एलोपैट्रिक चेंज आता है इनके अंदर, और एलोपैट्रिक चेंज आने के बाद एक स्पीशीज बन जाती है A1 और एक स्पीशीज बन जाती है B। ठीक है, अब ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये चलती हैं तकरीबन यूँ कह लीजिए 1 मिलियन ईयर्स तक चलती हैं, 1 मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव करती हैं, और 1 मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव करते हुए इन स्पीशीज़ के अंदर बहुत इतना थोड़ा चेंज आता है कि वो हमारे फॉसिल रिकॉर्ड में काउंट ही नहीं होता, वो चेंज हमारे फॉसिल रिकॉर्ड में काउंट ही नहीं होता, इतना छोटा सा इनके अंदर चेंज आता है। और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि बजाय इसके कि ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये अपने अपने मज़ीद ब्रांचेस निकालें, बल्कि बग़ैर ब्रांचेस निकाले क्या हो, बग़ैर ब्रांचेस निकाले ये दोनों के दोनों एक कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाएं, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या नतीजा निकल सकता है, ऐसे केस में नतीजा ये निकल सकता है सबसे पहले कि दोनों स्पीशीज़ जो हैं उनको नेचुरल सिलेक्शन की फेवर हासिल है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड बोथ, नेचुरल सिलेक्शन ने दोनों को फेवर किया, और दोनों को फेवर करते हुए नेचुरल सिलेक्शन ने जो है वो बग़ैर किसी चेंज के दोनों के अंदर जो है वो क्या क्रिएट कर दिया, दोनों के अंदर जो है वो एक ऐसा ट्रेंड क्रिएट कर दिया कि इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी वाज़े चेंज नहीं आई जिसके नतीजे में हम कहें कि इनके ये स्पीशीज़ जो है वो चेंज हुई है। हाँ, एक बात वाज़े है कि इनके अंदर डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हुई है, मैं ये क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट ऑब्वियस, सबसे पहले नॉट ऑब्वियस, ऑब्वियस क्यों नहीं है, ऑब्वियस इसलिए नहीं है क्योंकि फॉसिल्स कैन नॉट टेल अस द आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फॉसिल हमें ये नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इनके अंदर हुई है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, और एलोपैट्रिक में जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो हो या ना हो, दोनों ने सेपरेट रहना है और दोनों अपने अपने एरिया में विदाउट एनी चेंज सर्वाइव करते रहते हैं और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दिस स्पीशिएशन इज नोन एज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अब इसको पंक्चुएशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें चेंज नहीं आया, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि एक अरसे तक सर्वाइव रही और उसके बाद उनमें कोई खास चेंज नहीं आया और वो ख़त्म हो। दूसरी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी चीज़ क्या है वो भी अब आपके जो है वो जहनों में आ रही होगी, जो हमने ग्रेजुअलिज्म पढ़ा है उसको भी अब ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। ग्रेजुअलिज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इनके अंदर अब हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड भी मौजूद होता है और हमारे पास जो है वो ये सबूत भी मौजूद होता है कि कौन सा किसका डिसेंडेंट है, ग्रेजुअलिज्म। अब ये ग्रेजुअलिज्म जो है ये हमें पता ये लगता है कि ये ग्रेजुअलिज्म जो है ये असल में ग्रेजुअल चेंजेस हैं, ये वो चेंजेस हैं जिनमें हमें ये नज़र आता है कि एक जगह से एक स्पीशीज़ इवॉल्व हुई, एक स्पीशीज़ इवॉल्व होकर A1 और B स्पीशीज़ बनाती है, ये स्पीशीज़ फिर से इवॉल्व होती है, इस स्पीशीज़ में अब क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में चेंजेस आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन इस स्पीशीज़ को फेवर करती है, इस स्पीशीज़ की किसी म्यूटेशन को फेवर करती है, यहाँ पर कोई म्यूटेशन आती है या कोई चेंज आता है, ठीक है, जेनेटिक चेंज, इसको फेवर किया जाता है और ये स्पीशीज़ जो है ये A2 बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये स्पीशीज़ अब ये उसके बाद फिर वंस अगेन A3 A4 और अल्टीमेटली वो किस तक पहुँच जाती है, मॉडर्न स्पीशीज़ तक पहुँच जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से B2 B3 B4 और अल्टीमेटली मॉडर्न तक पहुंच जाती है। अब जब आपके पास ऐसा रिकॉर्ड होता है और जब आपके पास ऐसा जो है वो पैटर्न बन रहा होता है तो इसको हम कहते हैं ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस के बाद थोड़े थोड़े अरसे बाद नई से नई स्पीशीज़ जो हैं वो बन रही होती हैं, इसको आप ग्रेजुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रेजुअलिज्म दोनों तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकता है, एलोपैट्रिक को भी फॉलो कर सकता है और सिम्पैट्रिक को भी फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी मुख्तसर से आपको यहाँ बात बताता हूँ,
इन दोनों जगहों पर किसी वजह से, इन दोनों इस पॉइंट पर किसी वजह से एलोपेट्रिक भी हो सकती है, सिम्पेट्रिक भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ऐसा रिकॉर्ड मौजूद होता है या कोई स्पीशीज इन मराहिल से गुजर के आप तक आ रही होती है, तो उसको आप कहते हैं कि ये ग्रेजुअल ग्रेजुअलिज्म हुआ है। लेकिन एक बात जेहन में रखने की है बेटा, हम किसी भी स्पीशीज को ये कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रेजुअली चेंज हुई है जब हमारे पास रिकॉर्ड हो? फर्स्ट करें, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस स्पीशीज में पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम हुआ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही ना हो और असल में वो स्पीशीज जो है वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का नतीजा ना हो बल्कि ग्रेजुअलिज्म का नतीजा हो। अब इसमें आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको नजर आती है कि यहां से ऑनवर्ड आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है। आगे आते आते आपको पता ही लगता है कि यहां पर एक डिसेंडेंट मौजूद है, एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसके अननोन एंसेस्टर्स हैं। आपको उसके एंसेस्टर्स का नहीं पता, ठीक है, अननोन एंसेस्टर्स, लेकिन इट हैज सम सिमिलैरिटीज विद ए वन। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये मट्टी से उठ के ये वाला डिसेंडेंट नया बन गया। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान का डेटा है, जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जिसको हमने करार दे दिया था, असल में वो डेटा जो है वो हमारे पास मिसिंग है। यही काम ह्यूमन के साथ भी हुआ था। तो जब ये हमारे पास डेटा मिसिंग है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि, और ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से वाकई में पता है कि ऑलमोस्ट जितनी एवोल्यूशन हुई है वो सारी ग्रेजुअलिज्म ही थी, वो सब कुछ ग्रेजुअलिज्म ही था, आहिस्ता 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 चेंज हुआ है। हमारे पास डेटा नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और ग्रेजुअलिज्म, जिसकी यहाँ पर मिसालें भी इन्होंने आपको दी हुई हैं। इन्होंने जो है ना वो यहाँ पर, हाँ, अदर स्पीशीज, ये यहाँ पर इन्होंने पंक्चुएशन की बात की ना, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अदर स्पीशीज डू नॉट शो अ पंक्चुएटेड, इंस्टेड दे अपियर टू हैव चेंज मोर ग्रेजुअली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको कुछ फाइलेटिक, कुछ लिनियजेस का बताया, ठीक है, जैसे एलिफेंट की लिनियज मौजूद है, चिंपैंजी की भी मौजूद है, ह्यूमन की भी मौजूद है। अब ये ग्रेजुअल है, इनमें मजीद मिलने के साथ साथ हमें जो है वो मजीद मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो हम उनको दरमियान में पोजीशन बना रहे होंगे। ये जो सिचुएशन है इसमें जब आप बात करते हैं तो आपका जो है वो ये है कि लैक ऑफ फॉसिलाइजेशन समटाइम्स लीड टू पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। जी बेटा, पैटर्न को हम फॉसिल में रखेंगे और सॉरी हाँ ना सदफ बेटे, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। सर, मैंने कहा था जो कंजर्वेटिव स्पेशीज हैं तो जो होते हैं आपने बात किए भी बन जाएंगी। सर, ये जो स्पेशीज हैं मतलब ये फॉसिल में चले गए हैं, जो ग्रेजुअलिज्म है सर ये कंटिन्यू है मॉडर्न। ये कंटिन्यू से मुराद ये है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो एवोल्यूशन हुई हो ये वाला, ठीक है, ये जो एवोल्यूशन हुई हो इसमें ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो। हो सकता है कि जो B4 हो वो दो तरह की म्यूटेशन की वजह से, ये चेंज की वजह से दो तरह की स्पीशीज बना दे, B4A जिसको आप कहेंगे एंसेस्ट्रल और इसको आप कहेंगे मॉडर्न, ठीक है। अब ये B4A किसी वजह से क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। B4A किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब ये B4A किसी वजह से जब एक्सटिंक्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि हैं ये दोनों ही क्या, दोनों ही इस ग्रेजुअलिज्म का नतीजा है, ठीक है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये B4 एंटायरली इसमें चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल एलोपेट्रिक की वजह से या सिम्पेट्रिक की वजह से, इन दोनों ने अपनी अलग अलग जो है वो बना ली, इनकी ये स्पीशीज अलग अलग हो गई और इनके अंदर क्या पैदा हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई, जीन फ्लो रुक गया। अब जब इनके अंदर जीन फ्लो रुक गया तो जाहिर है ये अलग अलग जो है वो स्पीशीज अब काउंट होंगी। तो ये जो B4A है ये किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है और जो मॉडर्न है वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न वाली है इट इज़ मोर फिटेस्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो B4 है वो आगे चेंज ही ना हो,
इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो वही के वही रहें जो B3 से आए हैं, ठीक है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि B4 मॉडर्न कहलाए, और उसमें क्या हो सकता है कि B3 जो है उसके आगे जो चेंज हुआ है, B3A कह लें आप इसको। अब इसका क्या मतलब है, ये वो स्पीशीज़ है जो एंसेस्ट्रल है, ठीक है, और ये वाली वो स्पीशीज़ है जिसके अंदर क्या आया है, जिसके अंदर चेंज आया है। तो फिर ये क्या होगा, ये ज़्यादा फिटेस्ट काउंट होगी, क्योंकि अगर ये आपके मॉडर्न, ये स्पीशीज़ आपके मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच गई है ना, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज़ जो है इसके अंदर चेंज नहीं आया अभी तक, जो एंसेस्ट्रल थी वो किसी वजह से क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। मोस्टली क्या हुआ है, अब मैं आपको एक और बात यहाँ से बताता हूँ। मोस्टली ये हुआ है कि इन्वायरमेंटल चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, इनकी वजह से जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई है। मोस्ट जो स्पीशीज है उनके नतीजे में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपके पास इस वक्त जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। मैं तीन चार एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है वो दो तीन एरियाज की बात कर लीजिए, नंबर 1 न्यूजीलैंड और नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। बेटा ये वो दो एरियाज हैं, ये वो दो बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं कि जिनके अंदर एक खास अरसे पहले तक एंसेस्ट्रल स्पीशीज मौजूद थी, एंसेस्ट्रल स्पीशीज मौजूद रही हैं। फॉर एग्जांपल ये वो एरियाज हैं जिनमें तस्मानियन वुल्फ होता था, और जो तस्मानियन वुल्फ है वो बहुत सी स्पीशीज का एंसेस्टर काउंट होता था। फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक बैट हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि मॉडर्न बैट्स की वो एंसेस्टर है। फिर इसी तरीके से एक और आइलैंड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, गैलापागोस आइलैंड्स। ये जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनको अगर इनका क्लाइमेट जो है वो प्रिजर्व रखा जाए तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज मौजूद हैं उनका उनकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर एक और अंदाज से मैं आपको बात करता हूँ, कहा यह जाता है कि बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स आर क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब ये बहुत दूर की बात है, कहाँ बर्ड्स और कहाँ क्रोकोडाइल्स, ठीक है, लेकिन जो इनके जो क्लोजेस्ट आर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, इनके जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स थे ये जो है वो क्या हो चुके हैं, रीसेंट पास्ट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे, ऐसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि कुछ अरसा पहले तक इनके एंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते थे, बट ड्यू टू सम रीजन दे वैनिश्ड, दे डिसअपियर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई जो है वो ऐसी बात मौजूद है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते थे लेकिन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज या किसी भी चेंज की वजह से वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इसमें एंसेस्ट्रल स्पीशीज इस वक्त मौजूद हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स की एंसेस्ट्रल स्पीशीज हमें थोड़ी सी कम नज़र आती है, लेकिन प्लांट्स की और इंसेक्ट्स की एंसेस्ट्रल स्पीशीज हमें बाकायदा नज़र आती हैं, और इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसमें आप देखेंगे कि आप अगर खुद भी लैब के अंदर ऑर्गेनिज्म को मेट करवाएं, ब्रीडिंग करवाएं, तो आप उनके अंदर एक खास किस्म का चेंज लेकर आ सकते हैं, विच कैन लीड टू एवोल्यूशन। तो एनिमल्स के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, प्लांट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अभी तक एंसेस्ट्रल प्लांट्स मौजूद हैं और उन्हीं के इमीडिएट डिसेंडेंट्स भी मौजूद हैं जो ऑलमोस्ट सेम इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। तो एंसेस्टर मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जी बेटा, सर सर अगर मौजूद है तो हम उसे ग्रेजुलेशन में रखेंगे ना, हम वही बात कर रहे हैं सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको फिर आप ग्रेजुलेशन में रखेंगे। मतलब उसमें तो स्पीशीज एक्सटेंट हो रहे हैं ना, मतलब टोटली। जी, ऐसा ही है कि वो जो पंक्चुएशन है उसमें वो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक एक खास अरसा सरवाइव करने के बाद एक्सटिंक्ट हुआ। यही बात जी बेटा। तो सर अगर कोई स्पीशीज अभी सरवाइव कर रही है लेकिन उसकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री में कोई डाटा नहीं है, तो तब तो हम फिर ग्रेजुएशन में नहीं रख सकेंगे ना। मतलब उसमें यही है कि अगर आपके पास उसके क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स के फॉसिल्स मौजूद हैं तो आप उसको ग्रेजुअलिज्म बिल्कुल कह सकते हैं। असल बात तो डाटा है ना, असल बात तो ये है कि आपके पास अगर सबूत मौजूद है कि उसके ये एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड आपके पास है, जैसे एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, तो आप उनको यही कहेंगे कि ग्रेजुअलिज्म है।
बेसिकली पता है पंक्चुअलिटी इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है, इसको और क्लियर कर लेते हैं। पंक्चुअलिटी इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है कि एक स्पीशीज पास्ट में अपियर हुई और गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई, उसका नामो निशान नहीं रहा, इसको पंक्चुअलिटी इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ऐसी सूरत में आपके पास उस स्पीशीज के डिसेंडेंट्स का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर उसके एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड था तो वो आपके पास मौजूद नहीं होते, ठीक है। किसी वजह से हो सकता है कि उसके डिसेंडेंट्स हों या एंसेस्टर्स हों, वो किसी वजह से इस तरह मरे हों कि उनके फॉसिल्स आए हो जाएं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जिसको आप कह रहे हैं वो पास्ट में पंक्चुएटेड ही था, नहीं, वो हो सकता है कि उसके डिसेंडेंट्स और भी मौजूद हों तो वो आपको मिले ना, वो भी किसी वजह से किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से इतनी बुरी तरह वो ख़त्म हुए हों कि उनके फॉसिल ना मिल रहे हों। व्हाट इज द एविडेंस? अब यहाँ पर जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ना एक्स्ट्रा डिस्कस करूँगा, अगरचे मैं इंशाल्लाह आज ये कैम्बल वाला जो है ये चैप्टर ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन ना ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे डिस्कस करूँगा कि एविडेंसेस क्या हैं और उसमें जो है वो ये देखिए। अब ये जो है वो पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन कैरिबियन स्पीशीज ऑफ ईच पॉइंट इज द एवरेज फॉर लार्ज सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स, नोट दैट द मोस्ट लिनेजेस डू नॉट चेंज थ्रू टाइम, न्यू स्पीशीज अपीयर सडनली विदाउट इंटरमीडिएट्स। ये देखिए ये है, न्यू स्पीशीज अपीयर सडनली विदाउट इंटरमीडिएट्स एंड द एंसेस्ट्रल स्पीशीज ऑफन परसिस्ट अलॉन्ग साइड इट्स डॉटर स्पीशीज। ये वो बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती है या करती है, ठीक है। टाइम गोज अप द पेज एंड द एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द फेनेटिक डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो है वो आपके सामने वाजे तौर पर आपको नजर आ रहा है कि एंसेस्ट्रल स्पीशीज भी साथ के साथ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो जब वो करती है लेकिन दोनों किसी टाइम पे जाके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये वो जो डॉटेड है ना, ये वो है गालिबन जो आपको बता रहे हैं कि इनके दरमियान में कोई लिंक मौजूद नहीं है। ये देखिए, अब इसको इसके साथ इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है लेकिन दरमियान में आपके पास लिंक नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या ऑर्गेनिज्म का नाम है जी, अंग्यूक्लेटम, ये क्या चीज़ है? कैरिबियन स्पीशीज ऑफ ब्रायोजोन है, ठीक है, एनिमल है और वो है एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये देखिए, ये अब यहाँ पर सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हमें जो डॉट्स हैं वो हमें ईच पॉइंट इज द एवरेज ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ इंडिविजुअल, मोस्ट लिनेजेस जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे, ये सारे इनमें से डॉट्स ये अपीयर नहीं कर रहे कि ये वो है चेंज हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि इनका टाइम कितना है, कहाँ से कहाँ तक हमें ये मिलते हैं, और ये सारा कुछ इंशाल्लाह डिटेल में हम करेंगे। लेकिन जो गौरतलब बात है वो ये है कि इन डॉटेड लाइंस पे अगर आप ये वाली जो लाइंस हैं, जो इरेगुलर लाइंस हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें आपको दो ऑर्गेनिजम्स में एक इनडायरेक्ट सा रिलेशन ज़रूर मिलता है लेकिन उनके दरमियान के जो लिंक्स हैं वो नहीं मिलते। यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक स्पीशीज आपको मिली, उसका एक रिलेटिव आपको मिल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन और चिंपैंजी, ठीक है, इनके रिलेटिव आपको मिल रहे हैं। अगर इनका एंसेस्टर आपको मिल जाता तो आप दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एक फाइलेटिक एक लिनिएज मौजूद है जिसमें एक जगह पर जाकर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वो ऐसा ग्रेजुअलिज्म, इसमें आपको पता लग रहा होता है कि हाँ जी ठीक है इनके दरमियान में इस तरह से चेंजेस आए, तो लेकिन अगर आपको एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है उसके एक स्पीशीज है उसके एंसेस्टर मिल ही नहीं रहे तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये स्पीशीज आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो गई। तो ये जो आउट ऑफ नोवेयर अपीयरेंस है और लिंक्स का ना बनना है, इसको आप पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक एग्जांपल है जी बेटा। ये देखिए, नंबर ऑफ रिब्स, वाह, नंबर ऑफ बिसाइड द नंबर ऑफ बिसाइड द लाइंस ऑफ द सैंपल साइजेस, और कीजिए।
अब ये है वो जिसको आप ग्रेजुअलिज्म कहते हैं, ठीक है, जनरल यंगिंग डायरेक्शन, ये वो है जिसको आप ग्रेजुअलिज्म कह रहे हैं कि इनका जो है वो ये लिंक्स बन रहे हैं इनके अंदर, यहाँ से यहाँ तक इनके लिंक्स बन रहे हैं, और इनके जो सैंपल्स हैं वो आपको वो कहता है यहाँ पर, वो क्या बता रहा है कि द नंबर बिसाइड द लाइंस आर द सैंपल साइजेस। ये देखिए, ये आपको इतने इतने इनके सैंपल साइजेस मिल रहे हैं, ये देखिए, ये आपको पता लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं दरमियान में इनके लिंक्स मौजूद हैं, इनके फॉसिल्स आपको मिलते रहे हैं। ये जो चीज़ है इसको आप ग्रेजुअलिज्म का नाम देंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट बात है वो क्या है, वो है डेटा, और कीजिए आखिरी बात एंड पे आके लग यही रहा है कि असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई ऐसा जो है वो कुछ ऐसा हुआ है कि वाकई पंक्चुएशन हुई है, असल प्रॉब्लम डेटा है। तो उसको पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का नाम इस लिहाज से भी दिया गया है, और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में एक जो थीम है ना वो एक समझ लीजिए, वो थीम अगर आप समझ जाते हैं ना तो वो भी आपको बड़ा हेल्प करेगा पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को समझने में। देखिए पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक मिनट लीजिए, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो है बहुत लंबे अरसे तक स्पीशीज में कोई चेंज ना आना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अब ये जो बहुत लंबे अरसे तक का ना चेंज होना है ना, इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बेशक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है, बेशक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस है ना, लॉन्ग टर्म फेवर है, फेवर फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, एक बहुत लंबी चौड़ी फेवर हुई नेचुरल सिलेक्शन, बहुत लंबी चौड़ी फेवर हुई, और अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली सडन चेंज आ गया, सडन टर्न ऑफ टेबल, सडन टर्न ऑफ टेबल हुआ, और उस सडन टर्न ऑफ टेबल के नतीजे में ये जो स्पीशीज थी ये यूं लगा कि बगैर चेंज हुए एकदम से दूसरे में चेंज हो गए। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, जो आखिरी बात मैं कर रहा हूं ना, दो तीन बातें मैंने आपको बताई, एक कि वो अपने एंसेस्टर से अलहदा हूं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की वजह से, दो कि वो अपियर हुई और बहुत लंबा अरसा सेम रह के एक्सटिंक्ट हो गई, नंबर थ्री कि वो बहुत लंबा अरसा सरवाइव उन्होंने किया चेंज नहीं हुआ, ये वो बात है जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का थीम है, उनके अंदर चेंज नहीं आया, और अल्टीमेटली आपको लगा यूं, इसको यूं कह लीजिए कि अपने डेटा से आपको यूं लगा जैसे उन्हीं के एग्जिस्ट करते हुए एक और स्पीशीज कहीं और से आ गई, हालांकि वो उनकी डिसेंडेंट थी, यानी आप यूं कह लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि इनके दरमियान में कोई चेंज ना आया, लेकिन यहां एक स्पीशीज और बन गई, इस एक स्पीशीज और बन जाने की वजह के दौरान आपके पास वो चेंजेस, क्या मसला, एक नई स्पीशीज बनी, और उस नई स्पीशीज बनने और पुरानी स्पीशीज के दरमियान में आपके पास चेंजेस का रिकॉर्ड नहीं होता, यानी एक स्पीशीज इतना लंबा अरसा बगैर चेंज हुए एग्जिस्ट करती रही, फिर उसी के जमाने में एक और स्पीशीज आती है, लेकिन उनके दरमियान में चेंजेस का रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता। तो जो चीज मैटर करती है पहले नंबर पे वो है बहुत लंबे अरसे तक कोई चेंज ना आना या बहुत छोटा चेंज होना, दूसरी चीज जो मैटर करती है वो डेटा है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा की है। जी बेटा, लेकिन सर जैसे आपने बात की चेंज ना आना तो डिपेंड ही सिलेक्शन प्रेशर पे करता है ना, तो चेंज ना आना तो ग्रेजुअलिज्म में भी हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही तो चेंजिंग आती है, अगर बहुत लंबे अरसे तक चेंज नहीं आई तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन प्रेशर जब सेम रहा है उस ऑर्गेनिज्म पे तो वो चेंज नहीं हुआ, तो पंक्चुएटेड हमसे कैसे कह सकते हैं?
बहुत लंबे अरसे चेंज नहीं आएगा और वो किसी ज़माने में जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगी या उसका डेटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, तो उसको आप कहेंगे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। जब आपके पास ग्रेजुअल चेंजेस का डेटा होगा, जब आपको ये पता होगा कि ये स्पीशीज़ इसमें, उसके बाद ये स्पीशीज़, फिर ये स्पीशीज़, फिर ये स्पीशीज़, जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप कहेंगे कि वो ग्रेजुअलिज्म है। ठीक है, तो असल चीज़ आखिर में जो मैटर कर रहा है ना, मैं आपको मुस्तकिल लेक्चर के स्टार्ट से बात कर रहा हूँ कि जो आखिरी चीज़ मैटर कर रही है वो ये है कि आपके पास डेटा है या नहीं। अगर आपके पास डेटा है तो आप पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को भी ग्रेजुअलिज्म बना सकते हैं। Any other question?